रुड़की के इमली खेड़ा गांव में जंगल में शौच करने गई बीएससी की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आनन फानन में कलियर पुलिस ने छात्रा को रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। आरोपी गांव के 3 युवक बताए जा रहे हैं, जिन पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा के परिजनों का कहना है कि कॉलेज में आते जाते समय भी तीनों युवक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते थे। तीनों आरोपियों ने मौका पाकर सुनसान जगह पर छात्रा को हवस का शिकार बनाया। बदहवास हालत में छात्रा ने घर कर परिजनों को घटना की जानकारी दी तो परिजनों के भी होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। वहीं तीनों आरोपी गांव से फरार है। हालांकि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट आने का भी इंतजार कर रही है। वहां पर जंगल में जाते हैं ना, इसलिए तो उसे ना उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और दुष्कर्म किया, और वो कॉलेज भी जाती थी, रोज छेड़खानी करते थे। उसने कलियर थाने में भी तहरीर दे रखी थी बहुत दिन पहले, पर उसने सोचा है मान जाएंगे, पर उन्होंने एक मेरे भाई ने उनकी शादी रुकवा दी थी ना, लड़की नाबालिग थी, इस वजह से उन्होंने उसके साथ ऐसा बोला। क्योंकि कलियर थाने वहाँ जो जहाँ पर शादी रुकी थी वहाँ पर भी उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की थी और धमकी दी थी। लोग तो 3 थे, बीरबल, सुनील और सुरेंद्र, 2 गांव के, 1 बाहर का। बाहर में सोच करने के लिए जाते थे सभी, तो वहाँ जाने के उसमें मतलब वो बता रही थी कि वो 3 आदमी थे और उन्होंने मतलब रेप करा, मतलब सुरेंद्र का नाम बता रही है, एक मतलब सुनील बता रही है और एक बीरबल, हाँ 2 गांव के, उन्होंने 1 आदमी बाहर। इसमें जो तहरीर आई थी उस तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें जांच की जा रही है, जांच के उपरांत जो भी तथ्य समक्ष आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट।